सीतापुर में एसओजी एवं थाना संधोली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना सिधोली क्षेत्र अंतर्गत वहद ग्राम बाड़ी में लक्ष्मणपुर मुराढ़ी जाने वाली सड़क पर गौशाला तिराहा के पास से थान गांव में वांछित 25,000 रूपए का इनाम या अंतर जनपदीय शातिर अपराधी विजय कुमार पुत्र छेदेलाल ग्राम लेनियुक्त पुरवा बैदौर थाना रेउसा सीतापुर को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जहां थानगांव में बताया गया कि वांछित 25,000 रूपए का इनाम या अंतर जनपदीय शातिर अपराधी विजय कुमार पुत्र छेदेलाल निगम और ग्राम लेनियान पुरवा बैंदौरा थाना रेउसा सीतापुर और पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद तमंचा, 2 अदद जिंदा, 2 अदद खोखा, कुल 4 अदद कारतूस, 315 बोर व 1 मोटरसाइकिल बिना नंबर की तथा 12,000 रूपए नकद बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर एवं अभ्यस्त किस्म के अपराधी हैं, जिसके विरुद्ध पूर्व में विभिन्न धाराओं में 1 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। थाना सिधौली के अंतर्गत ग्राम बाड़ी के निकट आज एक अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इस अपराधी का नाम विजय लोनिया है। इसके ऊपर 25,000 रूपए का इनाम था। ये नकबजनी व चोरी की अनेक घटनाओं में वांछित रहा है। वर्तमान में इसके ऊपर 15 से अधिक मुकदमे जनपद सीतापुर, जनपद रायबरेली व अन्य जनपदों में है, जिसकी पूरी अभी जांच कराई जा रही है। इसको जब यहाँ पर सूचना मिली तो इसको रोकने का प्रयास किया गया। एसओजी की टीम तथा थाना सिधौली की पुलिस के द्वारा जब इसको रोकने की कोशिश की गई तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। इसको अस्पताल में रेफर किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। इसके पास से एक प्लेटिना मोटरसाइकिल, एक अवैध शस्त्र तथा इसके अलावा कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। इसकी पूरी घटनाक्रम की जानकारी की जा रही है। इसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी की जा रही है। जल्दी उनको भी पकड़ के उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।